जी अब जैसा आप देख सकते हैं कि सारे लाइन वाइज से पेड़ लगे हुए हैं और हर बॉक्स माशाल्लाह माशाल्लाह कितने बच्चे। फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी एम एवरी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपने मेरा पहला तो इंटरव्यू देखा होगा, ठीक है, उसमें मैंने अभी किसी बाइक का इंटरव्यू किया था, तो आज मैं किसी का नहीं बल्कि अपने ही शहर का लोग वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आपके साथ, शेयर करूंगा क्या मेरी वीडियो प्रोग्रेस है, ठीक है, क्या क्या मैंने लगाया हुआ है। तो चैनल पहले तो आपने ब्लॉगिंग में देखा होगा, ब्लॉग वगैरह बनाता हूँ, तो साथ हमारा सी एम एवरी दूसरा ही चैनल है, ठीक है, तो इसमें आपको ये मिलेगा कि मेरे जितने भी वर्ड्स लगे हुए हैं आपके पास, मेरे पास लगे हुए हैं, तो उनकी वीडियो प्रोग्रेस आया करेगी और कौन कौन सी चीज आ रहे हैं, तो सब डिटेल में आपको इस चैनल पे आपको मिला करेगा, ठीक है। तो चैनल पे आपने पैसा हमारे साथ करना है, ठीक है, वीडियो लंबी हो तो उसकी आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। तो चैनल का काज करता हूँ कि मैं आपको अपनी जर्नी बताता हूँ, मेरी लवर की जर्नी क्या है। मुझे लगभग 5 साल हो गए हैं बर्ड रखे हुए, यानी कि पहले मेरे पास रिंगनेक्स वगैरह और आम बजरीगढ़ से, तो वो शौक था पहले, शौक बिजनेस में चेंज किया मैंने, तो लगभग 2 साल हो गए मैं सक्सेसफुल ब्रीडिंग करवाते हुए लवर की, जिसमें मैंने पहले कमर्शियल से स्टार्ट किया अल्बाइनो से, उसके 10 पेयर थे मेरे पास, तो उसी से आगे बढ़ाए, तो 2 साल हो गए हैं। तो आज आपको दिखाता हूँ अपना छोटा सा सेटअप, ठीक है, छोटी सी अपनी यार तो बने रही साथ, देख सकते हैं अभी आपको इसका सारा और भी कहता हूँ क्या क्या मेरे पास लगा हुआ है और क्या ब्रीडिंग और कैसा आई है, तो वीडियो आपने पूरी देखनी है और सेटअप भी कैसा लगा। और अभी मैंने नए जरा बनाया, तो पिछली वीडियो उसके बाद 4 महीने गायब इसलिए रहा हूँ कि अंदर ही शेड में मसरूफ रहा हूँ, उसको टाइम नहीं मिल सका, स्टडी भी साथ साथ करनी होती है अपनी। तो आए आपको दिखाते हैं, फर्स्ट पेज शुरू करते हैं, एड पे कितनी लगी है वैसे आप आपको दिखाते हैं। जी अब जैसा आप देख सकते हैं कि सारे लाइन वाइज से पेड़ लगे हुए हैं और हर बॉक्स के ऊपर मैंने वो नंबर ही तो नहीं की, उनके केज की जो ट्रे है उनके ऊपर ये सारी नंबरिंग की हुई है और बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है कौन सा पेड़ है कौन सा नहीं। तो आइए आपको दिखाते हैं, फर्स्ट पेड़ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट पेड़ मेरे पास अल्बाइनो रेड आई मेल है और डेक इनो फीमेल है, पेड़ आप देख सकते हैं, तो पेड़ का लगभग सेकेंड क्लास चल रहा है, पेड़ थोड़ा नजर आ जाए आपको, ये देख सकते हैं आप लोग, वेरी ब्यूटीफुल। तो आए आपको इसकी हम ब्रीडिंग प्रोग्रेस चेक करवाते हैं क्या किया उसने। माशाल्लाह माशाल्लाह कितने बच्चे, 3 बच्चे इसके और तीनों ही डेक इनो, देख सकते हैं आप अपने बच्चा, आपको मैं बाहर भी निकाल के दिखाता हूँ बच्चा किस तरह का, क्या क्वालिटी बच्चे की, देख सकते हैं आप बच्चे भी सेल्फ नहीं हुए लेकिन बच्चा भी क्वालिटी अपनी शो कर रहा है, देख सकते हैं आप लोग। बाकी अभी 3 बच्चे सेल्फ नहीं हुए, 3 चिक हैं, तो जैसे ही सेल्फ होंगे आप मुझे अपना नंबर शहर का नाम ब्रोड का लिस्ट में ऐड में आपको कर लूंगा, तो जो भी चिक चाहिए हो आपको वहां पे मुझे मिल जाएगा। केज नंबर 2, इसमें जो मेल है ग्रीन यूविंग स्प्रिट ऑफलाइन है, स्प्रिट पेल फेलो है, और जो साथ फीमेल है इसके साथ वो पार्ट ब्लू स्प्रिट पेल फेलो फीमेल है। फर्स्ट क्लच में इसके जो मेरे पास चिक आए हैं वो सारे ही मेरे पास पॉसिबल स्प्लिट आए हैं पेल फेलो के, तो अभी विजुअल लास्ट क्लच एट में आया था मेरे पास लास्ट क्लच में, तो अभी फिलहाल इसकी भी ब्रीडिंग प्रोग्रेस जाते हैं, इसका भी बॉक्स मैंने काफी देर हो गया खोला नहीं है, तो नेस्टिंग तो इसने फुल की हुई है। बाकी बॉक्स में मैं आपको दिखा दूं, अभी तक जो रिस्पांस तो अभी तक कुछ भी नहीं आया, तो फर्स्ट क्लच अभी लास्ट मंथ इसने दिया है तो अभी तक कोई आया नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत उम्मीदें हैं इस साल भी कि पेल फेलो हमारे पास विजुअल आ जाए, पेड़ की क्वालिटी आप देख सकते हैं। तो इसी तरह नीचे ही आपको दिखाते हैं पेड़, पेड़ नंबर 3 क्रीमिनो एक्स अल्बाइनो रेड आई, तो ये पेड़ भी आपको मैं दिखाता हूँ कि इसका क्या सीन है, डब्बा खोलते हैं उससे पहले नोक कर लें जरा, तो डब्बा थोड़ा हार्ड है, एक मिनट बस, ये
जी तो टॉर्च ऑन कर लिया, तो ये अंदर पेड़ आपको दिखाएं, क्रीमिनों का मेल, ये मेल बाइट उठ के आ गया, ये फीमेल है, फीमेल है लाइन की हुई है, तो मेल यहीं से पकड़ा गया, इसको यहीं अंदर डाल देते हैं, तो ये फीमेल की लाइन है और ये मेल दे सकते हैं आप लोग, ये आ चुका है। तो ठीक है, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते पेड़ को, बॉक्स को बंद करते हैं, बॉक्स थोड़ा हार्ड है, इसको बाद में बंद कर लेता हूँ। तो चलते हैं यहीं पे नेक्स्ट पेड़ की तरफ। तो फोर्थ पेड़ है, इसमें पार ब्लू स्प्लिट इनो इंटो अल्बाइनो रेड का पेड़ है, पेड़ अभी बॉक्स के अंदर ही है, तो इसको भी चेक कर लें, इसका भी सेकेंड क्लच है। तो ये पेड़ है माशाल्लाह से, तो अभी तो फिलहाल इसकी लाइन नहीं आई है, तो जैसे ही आएगी आपको वीडियो में नज़र आ जाएगा, आपको दिखा देंगे हम। तो ये सेकंड पेयर है पार ब्लू स्प्लिट इनो इंटो अल्बाइनो रेड, ऊपर जो आपको मैंने क्रीम में दिखाया वो 2 साल पहले इसी पेड़ का बच्चा निकला था, ठीक है, तो वो इनका ही बच्चा, जैसे ये ऊपर बच्चा है ना, वो इनका ही इस पेड़ का चीज का है, तो वो मैंने अपने लिए रोक लिया था, तो वो ही माशाल्लाह से मेरे पास ब्रीड कर रहा है। अब आपको अगला पेड़ की तरफ चलते हैं, पेड़ नंबर 5 मेरा बेस्ट पेड़ अल्बाइनो रेड, अल्बाइनो ब्लैक का स्प्लिट रेड डाई टू अल्बाइनो ब्लैक स्प्लिट का पेड़ है। तो इसके नीचे पहले 2 साल जो मेरे अल्बाइनो के पेड़ रखे हुए थे उनमें से ये एक पेड़ है, वो बस बाकी मैंने कुछ सेल कर दिए थे, कुछ 2 ही मैंने रख लिए थे उनमें, तो उनमें से एक पेड़ है ये जो कि काफ़ी अच्छे ब्रीड करता है और 7/7 मुझे रेशो देता है। फीमेल थोड़ी सी अग्रेसिव है, ये आप देख सकते हैं, तो चिक्स इसके नीचे मैंने फोस्टर किए हुए हैं, एक चीज 2 चिक अल्बाइनो ब्लैक ही है, वो इसकी अपनी है, और एक फोस्टर हुआ हुआ वो पीछे आपको नज़र आ रहा होगा डेकिंग नो का, ये फीमेल थोड़ी साइड पे, मैं आपको दूसरा चिक भी दिखाऊं, वो पीछे है, फीमेल ने प्लकिंग की हुई है, लेकिन कोई नहीं, वो जब चिक सेल्फ होता है वो खुद ही कवर कर लेता अपने आप को। तो ये मेरा बेस्ट पेयर है, फीमेल ये और मेल ये इसका। शुरू में जब मैंने इनका लवबर्ड का शौक स्टार्ट किया था अल्बाइनो जैसे कमर्शियल ब्रीड, तो उनमें से एक बेस्ट पेड़ मेरा ये था, और एक और है वो आगे आता है आपको बताता हूँ मैं कौन सा था। केज नंबर 6, इसमें डेक इनो का मेल है और अल्बाइनो रेड आई की फीमेल है, ये मैंने पिछले साल मेरे पास चेक आए थे, उनमें से कोई टेम पीस तो नहीं कह सकते, यानी कि मैंने हैंड फिटिंग में पाले थे, तो अभी जो आपने चल बाइनो डेक इनो का चीज देखा है वो इसी पेड़ का है। पेड़ आपको केज खोल के दिखाता हूँ, पेड़ थोड़ा सा अग्रेसिव पहाड़ता है अभी आगे से, ये मेल है और ये फीमेल है इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं कि अग्रेसिव फीमेल है। तो डब्बे को बंद करते हैं और नीचे वाले डब्बे के जाने चलते हैं, नीचे पेड़ आप देख सकते हैं केज नंबर 7 है, और पेड़ ये आपके सामने डेक इनो इंटो अल्बाइनो रेड। तो इस पेड़ के भी मैंने कुछ देर पहले एग फोस्टर किए हैं, तो अब इसका देख लें, अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं होगा अंदर, इसका एग फोस्टर हो गया है, तो ये भी मेरा एक बहुत शानदार पेड़ है डेक इनो इंटो अल्बाइनो रेड। ज़्यादातर मैंने कमर्शियल पेड़ की काफ़ी की हुई है, बीच में अल्बाइनो रेड आई, डेक इनो, और ये भी पेड़ पेस्टल इनो इंटो अल्बाइनो रेड ही है, पेड़ नंबर 8 है, इसका भी सेकंड क्लच है, तो इसकी प्रोग्रेस आपको दिखाते हैं कि इसने क्या किया हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, 5 हंडे पेस्टरिनो का मेल है और अल्बाइनो रेड आई की फीमेल है, फीमेल यहीं पे आ गई है, तो इसके अंदर करते जी तो दे सकते हैं, ये पेड़ है पेस्टरिनो इंटो अल्बाइनो रेड आई, और ये 5 हड्डे नम दिए हुए हैं, अभी फर्टाइल है इंशाल्लाह, बहुत जल्दी इसमें से भी चिक निकल आएंगे। तो नीचे पेड़ है, जैसे पहले आपको मैंने दिखाया था स्प्लिट का पेड़, तो ये उसी पेड़ में से एक पेड़ है अल्बाइनो स्प्लिट टू स्प्लिट का पेड़ है, देख सकते हैं आप लोग, तो इसकी भी प्रोग्रेस आपको दिखाता हूँ इसने क्या किया हुआ है।
का भी बॉक्स थोड़ा हार्ड है, लेकिन फिर भी हम खींच लेते हैं बाहर को। एक सेकंड बस, दूसरी साइड से ट्राई करते हैं, यहाँ से तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, खोला नहीं ना काफ़ी देर से यहाँ से। तो दूसरी जानी से इसका बॉक्स आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो माशाल्लाह से माशाल्लाह 3 चिक अल्बाइनो ब्लैक है, ये देख सकते हैं आप लोग। प्लकिंग का पहले भी आपको मैंने बताया कि जब चिक सेल्फ होगा वो बाद में रिकवरी खुद ही कर लेगा अपनी। तो अब आपको नीचे वाला पेड़ दिखाता हूँ जो कि इसके नीचे है, वो फोस्टर पेड़ है मेरा, कॉमन लैटिनो ये पेड़ है। तो इसके नीचे भी फोस्टर एक्स कुछ किए थे लेकिन वो डेड इन शेल हो गए। तो इसके नीचे जो अपने इसके एग फर्टाइल हुए थे उन्हीं में से चिक्स निकले हैं, तो वो आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, एक क्रीमिनो रोजिकोली में से निकला है चिक इसी पेड़ में से, ये देख सकते हैं आप, और दूसरा उन्हीं का बच्चा कॉमन लैटिनो। हाथ साफ कर लूँ तो ब्रीडिंग पॉडकास्ट के साथ आपने माशाल्लाह से ज़रूर कहना है, ठीक है। तो आपको दूसरा पेड़ दिखाता हूँ, यह यारवा पेड़, और ये अल्बाइनो रेड टू रेड लगा हुआ है, और इनका भी सेकंड क्लच चल रहा है। फर्स्ट क्लच के सारे चिक सेल हो गए हैं, कुछ होंगे वो बाइट पड़े होंगे, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो के तो ये फीमेल है इसकी, और एग लिंक करके बैठी है, अब अंडों के आग ऊपर बैठी हुई है तो अंडे नज़र नहीं आ रहे, फीमेल को थोड़ा साइड पे करें। तो माशाल्लाह से इसने 3 अंडे दे दिए हैं, तो बहुत जल्दी ये भी फर्टाइल होंगे, छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे तो जो आपके लिए हाजिर होंगे। तो ये चलते हैं आपको केज नंबर 12। तो इसके अंदर जो पेड़ है मेरा डेकिनो टू अल्बाइनो रेडी का पेड़ है, डेकिनो का मेल है और अल्बाइनो रेड की फीमेल है। तो इसकी भी प्रोग्रेस आपको दिखाते हैं। फीमेल बाहर आ गई है, तो इसने मेरे ख्याल से एक आध अंडा दिया ना, 2 अंडे हो गए हैं इसके भी। तो लास्ट टाइम मैंने चेक किया था एक था, 2 हो गए हैं। तो ये पेयर भी बॉक्स में है, 13 नंबर अल्बाइनो रेड टू रेड ये भी है। तो इसकी भी प्रोग्रेस आपको दिखाते हैं, इसने भी रिसेंटली 5 चिक्स रेड टू रेड मुझे दिए हैं, ठीक है। रेड टू रेड का ही पेड़ है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो अब इसने 3 एग लेइंग कर दिए मेरे पास दोबारा से। तो माशाल्लाह से ये भी पेड़ मेरा बहुत अच्छा है, जो कि 5-5 बच्चे पालता है और रेड टू रेड के खुद पालता है। काफ़ी लोगों को ये होता है कि पेड़ रेड टू रेड के बच्चे सर्वाइव नहीं करते, लेकिन माशाल्लाह से मेरे पास बच्चे पाल भी रहे हैं, और आपके सामने अगर होते तो आपको मैं लाजमी दिखाता, लेकिन अब वो किन भाइयों के नसीब में चले गए हैं। और ये भी रेड टू रेड का ही पेड़ है, के नंबर 14। ये आप लोग देख सकते हैं, तो इसका भी आपको बॉक्स चेक कराते हैं। ये तो पेड़ पहले से ही बाहर है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी इसने कुछ किया होगा, क्योंकि जितने भी रेड टू रेड के पेड़ हैं ना, इनके सब की लिंग फर्स्ट क्लच हो चुका है। रेड टू रेड के जितने भी बाकी पेड़ हैं सब ने एक बार ब्रीड कर दी है। तो ये नंबर 15 में ये पेड़ भी रेड टू रेड है, तो इसकी भी प्रोग्रेस आपको दिखाते हैं। इसने नेस्टिंग तो फुल है दोबारा से, और लाइन अभी तक नहीं आई। ये देखिए माशाल्लाह से नेस्टिंग कितनी अच्छी की हुई है इसमें। तो इसके डब्बे को भी करते हैं बंद। तो अब आ जाते हैं केज नंबर 16 की तरफ। केज नंबर 16 में भी अल्बाइनो रेड टू रेड का पेड़ है, जिसका मेल बाहर है इस वक्त और फीमेल बॉक्स के अंदर। बॉक्स को नॉक करें और
फीमेल बाहर आ चुकी है, लेकिन बॉक्स की जो कुंडी हुई है बहुत हार्ड हुई है, तो इसकी भी माशाल्लाह से लिंग आ चुकी है। 5 अंडे इसने भी दिए हुए मेरे पास, तो बहुत जल्द इसकी भी प्रोग्रेस आगे आपको शेयर करेंगे कि कितने चिक्स आते हैं, और लाइव आपको दिखाऊंगा कि डेट टू डेट में से क्या रेशो मेरे पास आती है। तो केज नंबर 17 में अल्बाइनो डेट टू डेट का पेड़ है, नॉक कर ले पेड़ बॉक्स के अंदर है। तो ये पेड़ की भी फीमेल एग्रेसिव है, ये पेड़ बाहर आ चुका है और अभी तक इसने नेस्टिंग तो फुल की हुई है लेकिन अभी तक लेंग नहीं आई, क्योंकि जैसा कि आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट क्लच मेरे पास आ चुके हैं, सेकंड क्लच चल रहा है, कुछ बर्ड का थर्ड भी चल रहा है जो डेकिनो वाले मेरे पेड़ हैं, फर्स्ट में आपको मैंने दिखाए हैं, तो फोस्टर करके, लेकिन ये अपने बच्चे खुद पाल रहे हैं, इनके मैं फोस्टर नहीं कर रहा। 18 नंबर केज में भी डेड टू डेड का पेड़ है, तो इसकी भी प्रोग्रेस आपको दिखा देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह इसने भी काफ़ी अच्छी नेस्टिंग की हुई है, लेकिन इसने नेस्टिंग बहुत गलत की, अगर ये आ गया यहाँ से बाहर से सीधा इसने कमरे में ही निकल जाना है, फिर पकड़ने में थोड़ी मुश्किल होनी है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इसने भी एग लेइंग की हुई, जैसे ही आप देख सकते हैं इसके एग, 3 एग दिए हुए हैं इसने मेरे पास। तो पेड़ अंदर है, पेड़ को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, बॉक्स को बंद करते हैं और चलते हैं फिर नेक्स्ट पेयर की तरफ। वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन देखनी आपने पूरी है, क्योंकि मज़ा आपको फिर भी आने जब आपने पूरी वीडियो देखनी है। इसका ये बॉक्स बाद में बंद कर लेते हैं। तो 19 नंबर केज, इसमें भी डेट अल्बाइनो रेड का मेल है और डेक इनो की फीमेल है, ये मेल है और फीमेल बॉक्स के अंदर। फीमेल देखे माशाल्लाह से पूरा दरवाजे आगे बनाया हुआ है, तो फीमेल आपको दिखाते चले, ये फीमेल अंदर और ये भी अंडे ले करके बैठी हुई है। बर्ड्स आजकल ज़्यादा तो ब्रीड पे ही होता है, फ्री कम ही पेड़ होते हैं जो कि यहाँ आपके फर्स्ट टाइम ब्रीड कर रहे हों, क्योंकि मेरे पास पुराने पेड़ ब्रीड कर रहे हैं तो इसलिए ज़्यादातर बॉक्स के अंदर ही हैं। बॉक्स के बाहर ज़्यादातर यहाँ वो पेड़ हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लच कर लिया हुआ है और यहाँ रिसेंटली उनके बच्चे भी सेल्फ हुए हैं। तो माशाल्लाह से मेरे पास सेकंड क्लच है, तो नेक्स्ट केज की तरफ आपको लेके चलते हैं। 20 पेड़, इसके अंदर भी मैंने रेड टू रेड है, तो बॉक्स आपको दिखाते चले। इसकी अभी तक मेरे पास लेंग नहीं आई, लेकिन इंशाल्लाह ये पेड़ भी ब्रीड बहुत जल्द कट जाएगा। ये है केज नंबर 22, तो केज नंबर 22 में अल्बाइनो रेड टू रेड है और इसके नीचे मैंने 3 एग ट्रांसफर किए हैं केज नंबर 7 से। तो जो मैंने डेकिनो वाला पेड़ आपको दिखाया था, तो उसके एग हैं इसके नीचे, तो बॉक्स को पहले नॉक कर लें और अब बॉक्स को ओपन करते हैं। तो बॉक्स को थोड़ा ओपन करने में मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बॉक्स अट जाता है कभी कभार, इसका भी दूसरा हिस्सा मुझे लगता है खोलना पड़ना मुझे जी। तो ये साइड में लग रहा है आराम से खुल जाएगी जी। तो माशाल्लाह से ये पेड़ बैठा हुआ है रेड टू रेड का, और इसके नीचे भी एग्स हैं अल्बाइनोस के, 3 एग इसके नीचे फोस्टर हुए हैं और बाकी 3 इसके अपने हैं। तो ये भी पेड़ बहुत बेहतरीन है। चलिए आपको नेक्स्ट पेड़ की तरफ लेके चलते हैं। नेक्स्ट पेड़ मेरे पास अभी 25 पेड़ के नंबर में पेड़ जो है अल्बाइनो स्प्लिट टू स्प्लिट का पेड़ है। पेड़ अभी बाहर ही है, फीमेल ये है इसकी और मेल उस साइड पे बैठा हुआ है, और ये पेड़ की अभी तक लाइन नहीं आई जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो बॉक्स को अभी तक फिलहाल तो बंद कर देते हैं, उम्मीद है कि बहुत जल्द लिंक कर देगा।
और यहाँ चलते हैं तो केज नंबर 28 में अल्बाइनो रेड टू रेड का ही पेयर है, और इसके नीचे भी एक एक पोस्टर हुआ है केज नंबर 7 का, तो ये भी आपको दिखाते हैं। बॉक्स को ज़रा आराम से बोलते हैं ताकि पेड़ ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। जी तो ये पेड़ है और ये माशाल्लाह से 6 अंडे हैं इसके पास, और 6 के 6 मुझे जो फर्टाइल लग रहे हैं। जी माशाल्लाह ये पेड़ है अल्बाइनो रेड टू रेड का। ऑफ सीजन में जब इनको मैंने इकट्ठा एक फ्लाइंग केज देता हूँ तो इकट्ठे करने की निशानियाँ इनके यहाँ तो रिंगिंग को बनाए होते हैं, और जिनका रिंग नहीं होता तो फिर उनको ऐसे कलर लगाना पड़ता है। तो जी ये तो था 28 केज में पेयर अल्बाइनो रेड टू रेड। अब आपको ले चलता हूँ, ये भी अल्बाइनो रेड टू रेड का ही पेयर है, और उसमें से एक जो है वो ब्लू 1 है बर्ड, तो इंशाल्लाह आगे ब्लू 2 प्रोड्यूस होगा हमारे पास। तो माशाल्लाह से ये भी पेड़ बॉक्स के अंदर है, मुझे माशाल्लाह से 6 अंडे ले किए हुए हैं। पेड़ की क्वालिटी साइज आप फीमेल का देख सकते हैं कितना माशाल्लाह प्यारा है। तो यहीं से हम चलते हैं लास्ट अपने डब्बे की जाने। तो लास्ट केज ये नीचे कुछ अभी खाली, उसमें बर्ड अभी आने हैं। 34 नंबर केज है, तो इसके नीचे भी एक एग फोस्टर हुआ है और बाकी इसके अपने हैं। तो माशाल्लाह से इसने तो पूरी गुफा ही बनाई हुई है। मेल बर्ड आ चुका है, फीमेल अंदर ही है, यहाँ से इसको उठा लेते हैं। तो इसके पास भी माशाल्लाह से 7 अंडे हैं, 7 अंडे माशाल्लाह, जो कि एक फोस्टर की है और 6 इसके अपने अंडे हैं माशाल्लाह। जिनके नीचे जो कि मुझे पता है कि बच्चे पाल लेते हैं अच्छी एवरेज देते हैं, तो उनके नीचे 6 से 7 अंडे भी फोस्टर हो जाते हैं। जैसे कि इसके 6 अंडे अपने हैं और एक इसके नीचे फर्टाइल फोस्टर एग किया, जबकि इसके अपने अंडे भी फर्टाइल है, तो बहुत जल्दी से चिक निकलेंगे। तो ये था मेरा सारा लबर का सेशन। यहाँ कुछ केज ये खाली हैं, इसमें भी बर्ड आने थे, तो बाकी ये रो लाइन साढ़े मेरे पास 25 पूरे पेड़ लगे हुए हैं। लगभग पिछले साल अल्बाइनो के 10 थे, इस बार म्यूटेशन ऐड करके 25 पेड़ लगे हुए हैं। और लास्ट में आपको एक और पेड़ दिखाते हैं, नीचे मेरा एलेक्जॉइन ग्रीन एलेक्जेंड्राइन का पेड़ है, तो इसका केज भी ओपन करते हैं। तो बॉक्स भी इसका आज आपको चेक करवा देता हूँ, क्योंकि मैं जब का इसको लाया हूँ तो तब से मैंने अभी तक बॉक्स नहीं इसका खोला, तो आज फर्स्ट टाइम आपके साथ ही शेयर कर रहा हूँ कि इसने भी क्या प्रोग्रेस दी हुई है। अभी बॉक्स में जा तो रहा है, काफ़ी टाइम देर है, तो ये दे सकते हैं आप लोग। ये पेड़ है तो माशाल्लाह से इसने 2 एग लेइंग कर दी हैं, तो 2 एग लेइंग की जो मुझे नज़र आ रही है, ये राह का पेड़ है, मेल है इसका, मस्तियाँ कर रहा है बॉक्स में बैठ के, और ये मेल फीमेल, फीमेल इसकी टेम है और मेल वाइल्ड है, तो अच्छी ब्रीड का है ये भी। जिन भाई से मैंने लिया था उनके पास हम 3-3 लास्ट में बच्चे खुद ही पाल रहा था। तो ये था पेयर इसका रॉ का, तो बाकी फर्दर जो भी इसकी नेक्स्ट ब्रीड आती है तो आपको दिखाते हैं। बाकी बॉक्स को बंद करते हैं। हाँ, इस साइड का सारा पोर्शन रॉ वगैरह और रिंग इसका लबर्ड का। तो ये मेरा दूसरा कमरा है जिसके अंदर ये मैंने फ्लाइंग केज दिया हो, कि जो भी बच्चे सेल्फ होते हैं ना ला के दे रखते हैं। 5 फुट फ्रंट है इसका और 2.5 फुट की डेप्थ है इसमें। बाकी बच्चे तो ऊपर वाले पोर्शन में थे, नीचे वाले पोर्शन में सब सेल हो गए हैं, बस लास्ट चिक है ये मेरा, ये क्रीमिनो चिक है, तो ये लास्ट रह गया। अगर किसी भाई को चाहिए हो तो स्क्रीन में नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप पर आप रब्ता मुझसे कर सकते हैं। और ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल होने के लिए आपको करना पड़ेगा कि जो नंबर चल रहा है आप उसमें मुझे मैसेज करें, अपना नाम बताएं और मैं आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल कर दूंगा। तो बाकी ये था मेरा सेटअप, तो आपको बताएं सेटअप मेरा कैसा लगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ऐसी फर्दर वीडियो मैं अपलोड करता जाऊँगा, बाकी कुछ आप ब्लॉगिंग चैनल में मुझे देखते होंगे, वो भी ब्लॉग अब रनिंग अप कर रहा हूँ, दोबारा वापसी अपनी लाइन में आ रहा हूँ।
तो ये था मेरा छोटा सा सेटअप, आपने देखा होगा। तो फर्दर डिटेल के लिए आप ये व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं मुझे, नंबर स्क्रीन पे आपके चल रहा होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर लाजमी करना है आपने, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो ऐसी फर्दर वीडियो देखने के लिए सीएम एवरी को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।